हेलो यू ब्यूटीफुल पीपल एंड वेलकम टू बी हेल्दी इंडिया। बाबा रामदेव जी ने जो कुछ समय पहले इस प्रोडक्ट लॉन्च किया था उसके साथ में उन्होंने मोरिंगा, अश्वगंधा और आमला भी लॉन्च किया था। अब बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन हो रही है कि वो इन चारों में से कौन सा प्रोडक्ट लें, क्योंकि इन चारों के तो बहुत सारे बेनिफिट हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर क्या डेफिशिएंसी है, किस चीज की कमी है, तो वो खुद इस वीडियो को देखने के बाद जान पाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए और जब ये वीडियो फिनिश हो जाएगा उसके बाद आप मेरी बाकी की जो चारों वीडियो है वो भी जरूर देखना, तभी तो आप जान पाएंगे कि आपकी बॉडी में किस चीज की कमी हो रही है, प्रोटीन की, विटामिन की, मिनरल्स की, तो आप डिसाइड कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और कुछ नया सीख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें स्पिरुलिना की, तो ये एक जलीय वनस्पति है जो ताजे पानी की झीलों में, झरनों में और तालाबों में पाई जाती है, ग्रीन कलर की काई के रूप में, जो आपने अच्छी तरह से देखी होगी शायद। बट स्पिरुलिना को वहाँ से लेके क्लीन किया जाता है, उसे सुखाया जाता है, सुखाने के बाद में प्रोसेस करके उसे कैप्सूल में कन्वर्ट करके फिर इन डब्बों के द्वारा आप तक पहुंचाया जाता है। इस एक स्पिरुलिना के अंदर कितने विटामिन होते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। अगर एक स्पून आप स्पिरुलिना लेते हैं लगभग 7 ग्राम, तो उसमें आपको 4 ग्राम तक प्रोटीन मिलेगा, मतलब लगभग 60%। उसके साथ में इसमें आपको फैटी एसिड्स मिलेंगे जो आपके वजन को कम करने के लिए जरूरी होते हैं। साथ में बीटा कैरोटीन भी होगा जो आपकी स्किन को ग्लो कर प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ में इसमें जो एंटी ऑक्सीडेंट है वो आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को बनने से रोकेंगे, मतलब जो कैंसर जैसी डेंजरस बीमारी है उसे भी रोकथाम के लिए ये सहायक सिद्ध होते हैं। स्पिरुलिना के कुछ रिसर्च में ये पाया गया है ये आपकी पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है क्योंकि इसमें फाइबर मौजूद होता है। साथ में आपकी आंखों को लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। उसके साथ में आपके बॉडी में जो ब्लड सेल्स होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए, रेड ब्लड सेल्स का निर्माण करने के लिए भी ये अहम रोल निभा सकता है। तो जिनको अनीमिया की प्रॉब्लम है उनकी अनीमिया की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। उसके साथ में ये लीवर को भी तंदुरुस्त रखता है, तो ये सारे बेनिफिट आपको इसमें मिलते हैं। साथ में जो लोग बार बार बीमार पड़ते रहते हैं बदलते मौसम के कारण, तो ये उनकी इम्यूनिटी पावर को भी स्ट्रॉन्ग कर देता है, तो वो जल्दी बीमार नहीं पड़ने देता। तो ये इतने सारे बेनिफिट आपको स्पिरुलिना के अंदर मिलते हैं। तो चलिए ये तो बात हो गई स्पिरुलिना की, अब हम बात करते हैं इसके प्राइस की और आमला की। देखिए जो इसका प्राइस है ये लगभग 160 रुपये है। आप चाहे तो स्पिरुलिना लीजिए या आमला के साथ या मोरिंगा के साथ में या अश्वगंधा के साथ में, इन सभी का जो प्राइस है वो 160 से 170 के बीच में है। तो ये बजट फ्रेंडली भी है जिसमें आपको 60 कैप्सूल दिए जाते हैं। आमला का इस्तेमाल हमारे पूर्वज लगभग 3000 सालों से कर रहे हैं। आयुर्वेद में तो इसे अमृत का नाम भी दिया गया है। अब इसके बेनिफिट को आप बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं तो इसे लेने के बाद ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। साथ में इसमें विटामिन सी होता है जिसकी वजह से आपके जो बाल हैं वो जल्दी सफ़ेद नहीं होते, जो प्रीमेच्योर एजिंग हो जाती है जल्दी से बाल सफ़ेद होते हैं वो ऐसा रुक जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन सी मिलता है, मतलब नींबू से 7 गुना ज़्यादा इतना इसमें विटामिन सी मौजूद होता है। साथ में आपकी स्किन को बिल्कुल ग्लो प्रोवाइड करता है, आपके जो ब्लड है ब्लड को बिल्कुल क्लीन करेगा, जिसकी वजह से आपको कील, मुहासे, दाग धब्बे की प्रॉब्लम नहीं होगी और आप बिल्कुल जवान दिखेंगे। उसके साथ में आपके डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके फैट लॉस में आपकी सहायता करता है, अनवांटेड फैट को रिमूव करने में आपकी हेल्प करता है, साथ में आपके लीवर का जो फंक्शन होता है उसको भी ये दुरुस्त बनाए रखता है। साथ में आपके जो मेंटल फंक्शनिंग है, आप क्या कब क्या आपको सोचना है, बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेने हैं, आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, तो ये उसमें भी आपकी पावर को इनहेंस करता है और आपकी जो बोन और टिश्यूज हैं उसको ये हेल्दी करता है, आपकी जो हड्डियाँ उसे मजबूत बना देगा। उसके साथ में आपकी स्किन को ग्लो करता ही है और आपको जो फर्टिलिटी होती है जैसे कि स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम होती है मेल्स में, उनको भी ये इंक्रीज करता है, तो उसमें ये बहुत सारे बेनिफिट मिल सकते हैं। तो आमला के अंदर इतने सारे बेनिफिट मिलते हैं जिसके बारे में मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये वीडियो घंटों की चलती रहेगी। अब इसको लेने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। इसे आपको दिन में 2 बार लेना है, खाने के बाद में, पानी के साथ में या फिर आप जूस के साथ में भी ले सकते हैं। और इसके जो साइड इफेक्ट की अगर बात करें, वैसे तो इसके आमतौर पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलते। अगर आप स्पिरुलिना लेते हैं
तो उसको ज्यादा मात्रा में लेने के बाद आपको थोड़ा सा सर में दर्द हो सकता है, उल्टी आ सकती है, थोड़ी सी बेचैनी हो सकती है अगर आप ज्यादा मात्रा कंज्यूम करते हैं तो। बट अगर आप सिर्फ आंवला लेते हैं, ओनली आंवला, तो फिर वो आप लंबे समय तक भी ले सकते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो इसके बाद में आप 2 से 3 महीने लेने के बाद आपको 1 से 2 महीने गैप जरूर करना है। और अगर कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन्स है वो इसे लेना चाहती है तो लेने से पहले वो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करे, या फिर कोई भी अगर ऐसी मेडिसिन अदर मेडिसिन चल रही है तो उसके साथ में इसे अगर आप मिलाना चाहते हैं तो पहले आप डॉक्टर से संपर्क करें, उसके बाद ही इसे ले, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। तो फ्रेंड अगर मैं चाहता हूं कि इस वीडियो पे मेरा टारगेट है 100 लाइक्स का, अगर आप 100 लाइक्स देंगे तो फिर मुझे खुशी होगी और मोटिवेशन मिलेगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, पसंद नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करना है, साथ में इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। जब तक आप खुश रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।